राम राम कोडर्स। तो आज का वीडियो काफी काफी बेसिक है, लाइक मैप का प्रॉपर यूज समझने के। हालांकि हम और भी मैप के वीडियोस बना चुके हैं, बट आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वेरी बेसिक वीडियो सो दैट एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। लाइक बहुत बच्चे का अप्रोच अगर समझ में नहीं आएगा कोई वीडियो में, तो स्टार्ट फ्रॉम दिस वीडियो, देन यू गो टू अदर वीडियोस, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है एंड वी गेट इंट्रोड्यूस टू अ न्यू टर्म कॉल्ड आइसोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। सो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया आइसोग्राम, तो चेक करना है वेदर स्ट्रिंग इज आइसोग्राम और नॉट। इससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपको आइसोग्राम का मतलब समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, चेक करो, ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिंग आइसोग्राम तब होगा जब इसमें एक कैरेक्टर एक से ज्यादा बार नहीं आया होगा, एक कैरेक्टर एक से ज्यादा बार नहीं आया होगा। तो देखो के ए, बट ए तो दो बार आया है, तो आइसोग्राम नहीं है, आइसोग्राम नहीं है। और जैसे शुभ, तो ये आइसोग्राम है राइट, क्योंकि तो शुभ में हर एक कैरेक्टर एक ही बार आया है राइट शुभ। यस करें। तो शुभ आप बताइए कि एक, आप सब सोचिए कि एक आइसोग्राम स्ट्रिंग का मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकता है। इफ वी आर यूजिंग इंग्लिश कैरेक्टर्स 10-26, मतलब डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स वी कैन हैव। हाँ, स्ट्रिंग मतलब फॉर ऑफ कैरेक्टर में ए से जेड तक, तो 26 होगा राइट शुभ। आई थिंक आप सबका आंसर 26 आएगा, बिकॉज डेफिनेशन वही है कि एक कैरेक्टर एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। एंड अगर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, तो मैक्सिमम में सारा का सारा कैरेक्टर हम यूज कर दिए, मैक्सिमम में हम सब कैरेक्टर यूज कर देंगे, तो 26 तो हो जाएगा राइट शुड, तो हो जाएगा 26। नंबर ऑफ एस्की कैरेक्टर्स भी बोल सकते 256। हाँ, अगर अगर इफ यू आर कंसीडरिंग एवरेज पर आस्की चार्ट से दे रहे हो, मैक्सिमम तब हो जाएगा 256, कि एक ही बार यूज हो रहा है, मैक्सिमम का बात है 256, तो ये बहुत क्लियर है। ओके नाउ, तो क्वेश्चन कैसे करना है अगर मैं इसका अप्रोच आपको पूछूं, तो प्लीज आई हाईली रिकमेंड वीडियो एकदम बंद कर दो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एकदम इसको सॉल्व करो, ये आपसे होना चाहिए, होगा पक्का। एंड फिर हो गया तो बस वीडियो 2x भी देखो, नहीं तो स्किप भी कर दो अगर बंद रहे तो। पहले शिव बताइए कैसे अप्रोच करना चाहिए। आई होप मेरे ऑडियो तो आपसे सुनना चाहता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे कि ये सबसे पहले तो एक मैप बना लेंगे, मैप या फिर जो भी हैश मैप बना लेंगे, उसमें सबको सबका काउंट को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। किसी का काउंट वन है तो ठीक है, अगर वन से आगे बढ़ा, जीरो या वन है तो ठीक है, उससे आगे बढ़ा इक्वल टू टू अगर कहीं पर हो गया तो सीधा सीधा वहीं पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर कभी भी हम पूरे स्ट्रिंग को इटरेट करते हुए ऐसा नहीं कर पाए तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। काफी बेसिक है, मैं इटरेट करूंगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। के पे आया तो के पहले था नहीं था, तो सही बात है। फिर ए पे गया, ए पहले था नहीं था, आर पे गया, आर पहले था नहीं था, फिर ए पे आया, ए तो पहले है भाई मेरा, मैप बोलेगा कि मेरे पास है, तुम उसको ले नहीं पाओगे, रिटर्न फॉल्स। एस पे गया, एस तो नहीं मैप खाली है, एच पे गया, एच भी पहले नहीं है, मैप खाली है, खाली इन द सेंस एच नहीं है। यू पे गया, मैप में एस और एच है, यू तो है नहीं। वी पे गया, मैप में वी भी नहीं है, और आगे कुछ है नहीं, तो मैं सक्सेस हुई, आई हैव कंप्लीटेड माय इटरेशन, तो आई विल रिटर्न व्हाट ट्रू राइट शुड। तो आई थिंक काफी बेसिक था, आपको समझ आ गया होगा एकदम। सो वी हैव टू मेक अ मैप ऑफ व्हाट शुड, कैरेक्टर एंड इंटीजर राइट, कैरेक्टर एंड इंटीजर, एंड कैरेक्टर और बूल का भी बना सकते हैं, ट्रू और फॉल्स बेसिकली हमको एक सारा अकाउंट चाहिए भी, तो इट्स अपॉन यू। तो मैप ऑफ कैर कमा बूल, मैं बूल ले रहा हूँ, ओके इंटीजर लेते हैं आपको कोई फेवर में, बूल देखने का आदत नहीं जरूरी इस लोगों को। I as in s dot size, I plus plus, क्या करना है हमको, हमको चेक करना है, और चेक करने के मैंने कौन सा फंक्शन आपको सिखाया था बताइए, तो चेक whether something exists or not, dot find या count कर सकते हैं राइट। अगर m dot count की s of i अगर पहले से है कि नहीं है, if लिख देते हैं if के अंदर, अगर ये पहले से है, अगर वो है तो वो मैप ऑफ काउंट रिटर्न करेगा वन, ग्रेटर देन जीरो वन रिटर्न करेगा, तो मतलब इफ चल जाएगा, इफ चल गया तो हमको रिटर्न करना है फॉल्स, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कैरेक्टर एक बार सर आना नहीं चाहिए, और मैप ऑफ काउंट बोल रहा है कि कैरेक्टर पहले आया है इसके पास, तो मतलब रिटर्न फॉल्स राइट शुभ। नहीं तो अगर नहीं वो नहीं आया तो हम इसको इंसर्ट कर देंगे, मैप ऑफ एक्स ऑफ आई इक्वल टू वन, कुछ भी कर दो ठीक है, आई थिंक दिस वर्क्स। एंड अगर पूरा सक्सेसफुल इटरेशन हो गया एज इन केस ऑफ शुभ्स नेम शुभ रिटर्न ट्रू, आई थिंक ये काफी बेसिक था, एंड सही गलत तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बदनाम हूँ ऐसे भी, देखिए आपके सामने सामने गलती किया।
एमपी नहीं, एम में। रन किया जाए। अब मेरे को डर लगने लग गया सबमिट करने में आपके सामने। ओके चलो सही हो गया, अच्छा लगा। तो हाँ काफी बेसिक क्वेश्चन था, राइट शिव? बेसिक श्योर क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था। ये क्वेश्चन समझ आएगा तो धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो वी कैन डू टफ क्वेश्चन ऑल्सो, राइट? तो इसके साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में मैप के और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।